तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एयर टिकटिंग स्टाफ कैसे बने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी कि एयर टिकटिंग स्टाफ बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, किस तरह की पढ़ाई करनी होगी, कौन सा कोर्स करना होगा, किन किन कोर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसमें आपके एग्ज़ाम किस तरह से होते हैं या आप क्या क्या कर सकते हैं एक एयर टिकटिंग स्टाफ बनने के लिए। हम आपको एक एक करके सभी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एयर टिकटिंग स्टाफ कैसे बने, तो आप हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। हम आपको अपने वीडियो के द्वारा सभी जानकारी बताने जा रहे हैं कि आपके इसमें कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, किस तरह से आप इसमें कार्य कर सकते हैं, आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। यह सभी जानकारी जानने के लिए आपको हमारी वीडियो में जुड़े रहना होगा, तभी आप एक एक करके सभी जानकारी अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे वीडियो के नेक्स्ट जानकारी की तरफ और मैं आपको बताऊंगी कि एयर टिकटिंग स्टाफ कैसे बन सकते हैं, एयर टिकटिंग स्टाफ कौन होते हैं, इनके कार्य किस प्रकार से होते हैं और आपको क्या करना होगा एक एयर टिकटिंग स्टाफ बनने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं कि एयर टिकटिंग स्टाफ कौन होते हैं या ये किस प्रकार से बनने चाहते हैं, तो आपको हमारी वीडियो में लेकर चलते हैं। और दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। और दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को स्किप करके देखने से आपको बहुत से पॉइंट समझ में नहीं आते हैं, जिससे कि आपको जानकारी भी पूरी नहीं मिल पाएगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को आखिरी तक देखते रहें और हम एक एक करके आपको सभी जानकारी अपने वीडियो के टॉपिक में देने जा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों जानते हैं एयर टिकटिंग स्टाफ कैसे बने, एयर टिकटिंग स्टाफ की कितनी सैलरी मिलती है। एयरपोर्ट पर बहुत सारे पद होते हैं जिनमें आप आसानी से जॉब पा सकते हैं और एयरपोर्ट पर बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, इन्हीं में से एक पद एयर टिकटिंग स्टाफ का होता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट एयर टिकटिंग स्टाफ की जॉब पाना चाहते होंगे, लेकिन उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए आज इस आर्टिकल में हम आपको एयर टिकटिंग स्टाफ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। एयर टिकटिंग स्टाफ का काम क्या है, एयर टिकटिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट एयरपोर्ट पर एक बैक ऑफिस में होती है। एयरपोर्ट पर 2 से 3 कैंडिडेट टिकट काउंटर पर बैठते हैं जिनका काम एयरपोर्ट पर टिकट देना होता है। एयरपोर्ट पर वही कैंडिडेट टिकट लेते हैं जिन्हें इमरजेंसी होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहले ही अपना टिकट बुक कर लेते हैं, इसलिए एयरपोर्ट पर बहुत कम टिकटिंग स्टाफ होता है और इसके लिए बहुत कम वैकेंसी निकलती हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, हमने आपको बता दिया है कि एयरपोर्ट टिकटिंग स्टाफ कैसे बनते हैं या आपको एयरपोर्ट टिकटिंग स्टाफ बनने के लिए कितना काम करना होगा। इसके लिए आपको बता दिया है कि इसमें लोग पहले से ही टिकट लेते हैं, आपको बहुत कम कार्य करना होता है, बहुत कम लोग इमरजेंसी में अपना टिकट लेते हैं। ऐसी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देते रहेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, हम आपको एक एक करके सभी जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि एयर टिकटिंग स्टाफ के और कौन कौन से कार्य होते हैं, किस तरह से आप एयर टिकटिंग स्टाफ बन सकते हैं। ऐसे ही जानकारी जानने के लिए आपको हमारी वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। हम आपको एक एक करके सभी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और मैं आपको बताऊँगी कि एयर टिकटिंग स्टाफ बनने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, क्या योग्यता होंगी आपकी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको किस तरह से इसमें कार्य करना होता है या किस तरह से आपको इसमें काम करके अपना हुनर दिखाना होता। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी यह सारे पॉइंट जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिएगा, हम आपको एक एक करके सभी जानकारी अपने वीडियो में देने जा रहे हैं। अब मैं आपको आगे की
जानकारी अपने वीडियो के आगे के पॉइंट में देने जा रही हूँ। तो चलते हैं दोस्तों आपको लेकर हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए। आइए चलिएगा दोस्तों हमारे साथ हमारे वीडियो के आगे के टॉपिक में। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि एयर टिकटिंग स्टाफ बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। एयर टिकटिंग स्टाफ बनने के लिए कैंडिडेट का 12th पास होना जरूरी है और साथ ही कैंडिडेट के एयरलाइन टिकटिंग में डिप्लोमा भी होना चाहिए जिसकी ड्यूरेशन 6 महीने और 1 साल की होती है। इसके साथ साथ अगर कैंडिडेट के ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट या हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है तो भी वह एयर टिकटिंग स्टाफ के पद के लिए अप्लाई कर सकता है। एयर टिकटिंग स्टाफ बनने के लिए कैंडिडेट में कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। एयर टिकटिंग स्टाफ बनने के लिए कैंडिडेट में इन कुछ स्किल का होना जरूरी है। कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए जिससे वह एयरपोर्ट पर आने वाले कैंडिडेट से अच्छे से बात कर सके। इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए जिससे वह इंग्लिश में बात करने वाले कैंडिडेट को अच्छे से मैनेज कर सके और साथ ही अन्य फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान भी होना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। टिकट बुक करने के लिए GDS सॉफ्टवेयर का काम करना अच्छे से आना चाहिए। टिकट का ट्रैवल से रिलेटेड नियमों के बारे में पता होना चाहिए। कैंडिडेट की मैथ की अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों यह सभी थी आपके लिए योग्यता, इसमें आपकी शिक्षण योग्यता रखी गई है। यह सभी आपके अंदर अगर नॉलेज है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इन सभी चीज़ों को ज्ञान करने के बाद आप एक एयर टिकटिंग स्टाफ बन सकते हैं। आपको इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप एक एयर टिकटिंग स्टाफ बन सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही आगे की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। हम आपको एक एक करके सभी पॉइंट अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप एक एयर टिकटिंग स्टाफ बनने के लिए और किन किन पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं और आपको क्या क्या करना होगा एक एयर टिकटिंग स्टाफ बनने के लिए। यह सभी जानकारी हम आपको हमारे वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एयर टिकटिंग स्टाफ बनना चाहते हैं तो आपको इन सभी की चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब आप किसी चीज़ में अगर आवेदन करते हैं अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप उसमें कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे वो पढ़ाई हुई या आपकी नौकरी हुई। अगर आप पढ़ाई में बिना तैयारी करे एग्ज़ाम देने चले जाएंगे तो आप उसमें बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जैसे एग्ज़ाम में पढ़ाई की ज़रूरत होती है ऐसे ही जॉब के लिए पूरी जानकारी की ज़रूरत होती है। तो चलते हैं दोस्तों पूरी जानकारी जानने की तरफ। तो आइए चलिएगा दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एयर टिकटिंग स्टाफ बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अगर आप इसमें सभी चीज़ों में पास होते जाते हैं तो आपको आगे की परीक्षा में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। आपको इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस प्रक्रिया को पार करना होता है। एयर टिकटिंग स्टाफ बनने के लिए कैंडिडेट को इंटरव्यू क्लियर करना होता है। अगर कैंडिडेट इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो उसे एयर टिकटिंग स्टाफ का पद दे दिया जाता है। और दोस्तों इससे अप्लाई एयर टिकट एजेंट कैसे बने करने के लिए आप अच्छे से इसकी एप्लीकेशन वेबसाइट एयर इंडिया करियर्स पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको उस समय चल रही सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानकारी मिल जाएगी जिन पर आप क्लिक करके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। एयर टिकटिंग स्टाफ की सैलरी कितनी होती है। तो आइए चलिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा पॉइंट यही होता है। हर वीडियो में हम आपको ज़रूर बताते हैं जिस भी चीज़ को आप जानना चाहते हैं उसमें हम आपको सैलरी ज़रूर बताते हैं क्योंकि यह जानना आपका अधिकार है तभी आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक होते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको इतनी जानकारी के बाद बता दें कि एयर टिकटिंग स्टाफ की सैलरी कितनी मिलती है। एयर टिकटिंग
टिकटिंग स्टाफ को सैलरी 12,000 से 20,000 तक सैलरी मिलती है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी सोशल मीडिया पर भी हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो से जुड़ी सभी जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी एयर टिकटिंग स्टाफ बनने में काफ़ी मदद मिले जो एयर टिकटिंग स्टाफ बनने के इच्छुक हैं। और दोस्तों, वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपकी वीडियो से रिलेटेड ज़रूर मदद करेंगे। तो दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर।